पंजाब से लगातार 5 हार के बाद जीती चेन्नई पिछले मैच का हिसाब बराबर किया। जडेजा ने 43 रन बनाए, 3 विकेट भी लिए। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2024 के प्लेऑफ की उम्मीदें मजबूत कर ली हैं। टीम ने मौजूदा सीजन के 53वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को 28 रन से हराया। चेन्नई की पंजाब के खिलाफ लगातार 5 हार के बाद यह पहली जीत है। इस जीत से सीएसके पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर आ गई है। चेन्नई के पास 11 मैचों के बाद 12 अंक हैं। धर्मशाला मैदान पर रविवार को पंजाब ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। चेन्नई ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 167 रन बनाए। जवाब में पंजाब 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 139 रन बना सकी। रविंद्र जडेजा ने दोहरा प्रदर्शन किया। उन्होंने 26 बॉल पर 43 रन की पारी खेली। इतना ही नहीं, 3 विकेट भी हासिल किए। जडेजा को इस प्रदर्शन के लिए प्ले ऑफ द मैच चुना गया। धोनी पहली ही बॉल पर बोल्ड हुए। चेन्नई की तरफ से सबसे ज्यादा 43 रन रविंद्र जडेजा ने बनाए। सीएसके के पूर्व कप्तान एमएस धोनी पहली ही बॉल पर बोल्ड हो गए। उन्हें हर्षल पटेल ने आउट किया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 32 और डैरिल मिचेल ने 30 रन की पारी खेली। मोइन अली और शार्दुल ठाकुर ने 17-17 रन का योगदान दिया। पंजाब की ओर से राहुल चाहर और हर्षल पटेल ने 3-3 विकेट लिए। वहीं टारगेट का पीछा कर रही पंजाब की तरफ से ओपनर प्रभु सिमरन सिंह ने सबसे ज्यादा 30 रन बनाए। उनके अलावा शशांक सिंह ने 27 रन की पारी खेली। चेन्नई की ओर से रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट झटके। तुषार देश पांडे और सिमरजीत सिंह ने 2-2 विकेट लिए। शार्दुल ठाकुर और मिचेल सैंटनर को 1-1 विकेट मिला।